इन सेमी कंडक्टर्स हम लोग पहले सॉलिड्स कैटेगरी, सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे, वाई इट इज कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, वाई इट इज इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड थियरी, एंड देन वील ओनली फोकस ऑन द सेमी कंडक्टर्स ओनली, हाउ टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, एंड देन वाट आर द एप्लीकेशन उसका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में वेरी वाइडली यूज है ना. तो उसमें सेमी कंडक्टर्स में वी आर गोइंग टू सी डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर नॉट इन कोर्स इस बार, बट वील कवर द ट्रांजिस्टर ऑल्सो. तो पहले सेमी कंडक्टर्स ही पढ़ेंगे, अप टू सेमी कंडक्ट आई मीन अप टू डायोड्स हैं, उसमें भी जीनर डायोड नहीं है, बाकी डायोड्स हैं. ऑलराइट, तो वील सी डायोड्स का पर्पज क्या है. वो रेक्टिफायर में यूज करते हैं हम, चार्जर के अंदर जो रहता है रेक्टिफायर, एंड LEDs डायोड यूज होते हैं, सोलर सेल डायोड यूज होते हैं, है ना, फोटो डायोड यूज होते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, एंड वेरी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, सेलफोन, TV, सभी में सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, सेमी कंडक्टर डिवाइसेज यूज होते हैं. तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में क्या रहता है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना, इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाई करंट मिलेगा और दूसरे में जीरो करंट. अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दे बैटरी की तो जीरो मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन कंडक्टर्स. तो सेमी कंडक्टर्स में कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट आर इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल, एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनका दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक और फाउंडेशन, है ना. और पहले क्या चलता था, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ दिस सॉलिड स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बेस्ड. उससे पहले क्या चलता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी एज ए डायोड, है ना. वैक्यूम ट्यूब्स में उनको वॉल्व भी बोलते थे, बिकॉज वन वे ट्रैफिक. वॉल्व में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, वेदर इट इज वाटर और लिक्विड और इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन आर यूज्ड. तो सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज द मेनी एडवांटेजेस. ये जो वॉल्व वाली ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब वाले जो डिवाइसेस थे इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, दे यूज टू बी वेरी बल्की, डेलिकेट, हाई एनर्जी कंजम्पशन एंड स्लो इन ऑपरेशन एंड सो ऑन. तो जब से ये आ गए, एंड ऑल्सो बल्क वेरी बिग साइज, है ना. अभी बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर मिनिएचर, मतलब बिल्कुल साइजेस आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना. इन सेल फोन इटसेल्फ मेनी व्हाट इज कॉल्ड फंक्शंस आर देयर बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर. तो वी स्टडी अबाउट दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स दैट इज कॉल्ड कंडक्टर ऑल्सो, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स में हाई कंडक्टिविटी होती है एंड लो रेजिस्टिविटी होती है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई नंबर होते हैं, कितने होते हैं, दे आर 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, 1 m³ में 10^28. इंसुलेटर्स में बहुत कम होते हैं, 10^11 ही होते हैं. एंड सेमी कंडक्टर्स में इनके दोनों के बीच के रहते हैं, 10^15 के ऑर्डर के रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पे फोकस करेंगे हम लोग. इंसुलेटर क्या है, ग्लास, रबड़ एंड सो ऑन. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन सेमी कंडक्टर, बट इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बैंड एनर्जी थियरी से है, फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं है. तो क्लासिफिकेशन ऑन द एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड से कैसे क्लासीफाई करते हैं उसमें. तो जब आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड एटम्स होता है, सिंगल एटम्स में क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, उनका सबका एनर्जी लेवल, उनके जो सबकी एनर्जीज हैं, एनर्जी स्टेट्स आर वेरी वेल डिफाइंड. बट जब सॉलिड बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, तो आउटर ऑर्बिट्स ओवरलैप करती हैं. यदि ये एक एटम है, उसकी आउटर इधर आ गया, तो ये आउटर ऑर्बिट्स ओवरलैप करेंगे. तो ओवरलैपिंग करने से उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड रादर दे
फॉर्म द एनर्जी बैंड्स, जब वो उनका जो डिस्टेंस जो है बहुत क्लोज हो जाते हैं तो दे द एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड पहले बनती हैं वो भी स्प्लिट हो जाती हैं, जब बहुत क्लोज आ जाते हैं एटम्स उनकी प्लेसिंग जो है 1, 2A0 या 3A0 हो जाती है, तो जो एनर्जी बैंड है वो स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सिलिकॉन का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है थर्ड ऑर्बिट है, जर्मेनियम का फोर्थ होता है, एंड इनमें दोनों में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 2s के 2 हो गए और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि आने कितने चाहिए 8 होने चाहिए, 6p होने चाहिए, 2s प्लस 6p इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो एनर्जी 4 एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड है, होने के पॉसिबल कितने 8, है ना। तो सपोज हमने n एटम्स ले लिए तो 4n एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4n वैकेंट हो गई, है ना, तो टोटल 8n अवेलेबल है, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, सिंगल एटम में 4 और 4 वैकेंट है ना, n क्रिस्टल के अंदर n एटम्स हैं तो 4n अवेलेबल एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, तो 8n स्टेट्स आर जो सॉरी 8n होते हैं 8n होते हैं बट 4 ऑक्यूपाइड कितने हैं 4n ओनली, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 में नहीं है, 4p वाले जो है शेल्स वैकेंट है, तो ये जो 8n जो अवेलेबल है जब एटम्स पास में आ गए बहुत क्लोज आ गए तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं दे स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 बैंड्स, 2 बैंड्स में स्प्लिट हो जाते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन एनर्जी गैप EG, ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम है तुम्हारा जो बॉक्स में दिया रहता है ना, यहाँ पे देखो जब बहुत कम हो गए या ये जो डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी लेवल्स क्लियर होते, जब डिस्टेंस बहुत कम हो गया एक्चुअल स्पेसिंग जब इतनी हो गई तो 2 एनर्जी बैंड हो गई, एनर्जी गैप बीच में जनरेट हो गई, एक नीचे एनर्जी बैंड बन गया, एक ऊपर बन गया, नीचे वाले में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ऊपर वाला जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं वो वैकेंट रहता है इनिशियली, और दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, इसको क्या बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, केमिस्ट्री में हो सकता है डिटेल में हो, फिजिक्स में ज्यादा ये डायग्राम वगैरह तुम्हें नहीं बनाना है, यू डोंट हैव टू मेक द डायग्राम एंड ऑल, तो बस ये याद रखना है जब एटम्स बहुत पास में आ जाते हैं तो एनर्जी लेवल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय बैंड एनर्जी गैप, ईजी बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप, लोअर बैंड व्हिच इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन।